उदासीनता, लापरवाही, विफलता, असंवेदनशीलता के चलते कोरोना काल में लोगों की, अनेकों लोगों की जान गई। और अब बजाय शोक संतप्त परिवारों के घावों पर मरहम लगाया जाए, उनके घावों पर नमक मिर्च रगड़ने का काम मोदी सरकार कर रही है। कल सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बोला कि कोरोना मृतकों के परिजनों को मात्र 50,000 रुपए, सिर्फ 50,000 रुपए मुआवजे का दिया जाएगा। हम सबको लगता है कि ये मृतकों के परिवारों के साथ इस आपदा काल में एक बहुत भद्दा और क्रूर मजाक है, और ये कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता और उनके दंभ का परिचायक भी है। एक और बात, और हम इसके साथ आपको एफिडेविट भी देंगे, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा इसको, जो हलफनामा, जो शपथ पत्र पहले दाखिल हुआ था और जो कल दाखिल हुआ है, उसमें भी जबरदस्त विरोधाभास है सरकार का। पर एक चीज दोनों में कॉमन है कि मदद का आशय शुरू से नहीं था। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, हमारे और तमाम शीर्ष नेतृत्व ने लगातार उचित मुआवजे की मांग करी है, और इस मंच से कांग्रेस पार्टी हर मृतक के परिवार के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे की मांग करती है। और यह मुश्किल नहीं है, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यह बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम सरकार में नहीं है, फिर भी हम एक छोटा सा आंकड़ा आपको बता देते हैं। 4 लाख करोड़ रुपए सरकार ने पिछले साल कमाए थे मात्र फ्यूल एक्साइज पर, ईंधन की एक्साइज ड्यूटी पर 4 लाख करोड़ रुपए कमाए थे। अगर हम 5 लाख रुपए देते हैं 4.5 लाख परिवारों को, तो वो मात्र 22,000 करोड़ रुपए है, जो कि कुल जमा राशि का सिर्फ और सिर्फ 5.5% है। अगर आप 5 लाख रुपए भी देते हैं मृतक के परिवारों को, तो वो कुल जमा राशि का, जो आपने सिर्फ ईंधन से कमाई है, लोगों की कमर तोड़ के कमाई है, उसका मात्र 5.5% है। तो ये किया जा सकता है, और ये किया इसलिए जाना चाहिए क्योंकि करोड़ों लोगों के रोजगार नष्ट हो गए। अगस्त तक में 15 लाख नौकरियां गई, जुलाई में 32 लाख गई, अप्रैल और मई में 2 करोड़ 27 लाख गई, अनुमानित आंकड़े नौकरी नष्ट होने के 14 करोड़ तक हैं, लोगों का वेतन कट गया, भविष्य निधि जो ईपीएफ होती है वहां से 66,000 करोड़ रुपए लोगों ने विड्रॉ किया। और ऐसे टाइम में जरूरत है, क्योंकि बहुत बच्चे यतीम हो गए, परिवार के जो मेन ब्रेड विनर्स थे, जो मुख्य कमाने वाले थे, वो चले गए, और ऐसे में 50,000 रुपए देना, ये ना देते वो बेटर था, लेकिन ये भद्दा मजाक जो हो रहा है ये बहुत गलत है। लेकिन कुछ बातें हम बिंदुवार तरीके से आपके सामने रखना चाहते हैं कि सरकार का क्या रुख रहा, क्योंकि सर्वप्रथम ये ज्ञात रहे कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत कोविड महामारी तो आपदा है ही नहीं, सबसे पहले यह कहा था। पहली बात सरकार ने कहनी चाहिए कि कोविड तो आपदा ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। इस कुतर्क को सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ा, पूरी तरह से खारिज किया, और अपने इस ऑर्डर 30 जून 2021 में इस कुतर्क को खारिज किया गया कि कोरोना आपदा नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के तमाम कहने के बावजूद, फटकार के बावजूद, सरकार लगातार हाथ घसीटती रही, लगातार आनाकानी करती रही, और तमामों एडजर्नमेंट, तमामों स्थगन लेती रही। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया कि हमारे आदेश को बाध्य होकर पालन हो, और जब कोई विकल्प नहीं दिखा, और याचिकाकर्ताओं ने भी 4 लाख की मांग करी थी, लेकिन जब कोई विकल्प नहीं दिखता है सरकार को आनाकानी करने के बावजूद, तो कल 22 सितंबर 2021 को राज्य आपदा कोष से, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से 50,000 रुपए देने का फैसला किया गया है। ये उस पृष्ठ का पेज नंबर 8 है, पैरा नंबर 6 और 7 है। यहां यह बताना अनिवार्य है और यह जरूरी है कि आपदा में क्या रूल होता है। सरकारें नियम और कानून से चलती है, तो नियम और कानून क्या है यह भी यहां पर साफ कर देना जरूरी है। गृह मंत्रालय ने, भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के माध्यम से 8 अप्रैल 2015, मतलब मोदी जी के कार्यकाल में 8 अप्रैल 2015 को SDRF, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड, और NDRF की एक संशोधित सूची रिलीज करी थी, सहायता के नए मानदंड रिलीज किए थे,
और उसके आधार पर किसी भी आपदा के दौरान बाकी कोई भी सहायता के अलावा 4 लाख रुपए मुआवजा देना हमारे कानून में, हमारी गाइडलाइंस में अंकित है। तो सरकार लिखे हुए कानून को भी फॉलो नहीं करना चाहती है। पहले बोला गया आपदा ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो माना गया आपदा है, और अब आप लिखे हुए कानून को भी फॉलो नहीं करना चाहते, आप इस तरह की आनाकानी कर रहे हैं। भले सरकार ने झूठ बोला उस सदन में कि एक भी व्यक्ति की बिना ऑक्सीजन के मौत नहीं हुई, लेकिन यह सच है कि शायद इससे पहले लोगों ने मौत को अपने सिर के ऊपर इतनी बुरी तरह से मंडराते हुए कभी नहीं देखा था। मुझे आज भी अप्रैल और मई के वो महीने याद हैं जब लगातार फोन बजता था, जब लोग मदद की गुहार लगा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था, जो 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 नजर आता था आंखों के सामने वो दिल दहला देता था, जब दवाइयां, अस्पताल, वैक्सीन, ऑक्सीजन मुहैया कराना था तो सरकार रण छोड़ के भाग गई। हमें चाहिए था रणबांकुर, हमें मोदी जी मिले रणछोड़। आपको एक भी प्रेस वार्ता याद है मोदी जी की इस कोरोना काल के दौरान, जब आम जनमानस तो त्रस्त था ही, आपको याद होगा कि भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता, इन भक्तों की मंडली, इनके विधायक, इनके सांसद तक टैग कर करके मदद की गुहार लगाते थे, लेकिन मदद कहीं भी नहीं दिख रही थी क्योंकि सरकार की तो प्राथमिकता ही कुछ और थी। सरकार को बंगाल का चुनाव लड़ना था, वहां जाकर दीदी और दीदी कहना था, और उसी उपेक्षा का कारण है कि ये जो त्रासदी थी ये मैन मेड हिंदुस्तान में बनकर उभरी। आपदा थी, दिक्कत थी, विश्व में भी थी, लेकिन इसका इतना विकराल रूप यहां पर इसलिए हुआ क्योंकि उपेक्षा और प्राथमिकता ही बिल्कुल अलग थी। ये सर्वविदित है कि संसद की स्थायी समिति हो, मंत्रियों का समूह की चेतावनी हो, और अब तो यह भी पता चला इस मंच के माध्यम से उस पर बोला भी गया है कि कैसे वैज्ञानिकों की के आंकड़ों, उनकी चेतावनी के साथ छेड़छाड़ की गई कि मोदी जी अपनी इलेक्शन रैली करते रहें, उनकी छवि बरकरार रहे। लेकिन 4.5 लाख सरकारी मौत के आंकड़े ये सर्वविदित है कि बहुत कम है, मौत के आंकड़े इससे बहुत ज्यादा है। और सरकार ने खुद भी, वो भले अपनी 56 इंच की छाती की बात करें, लेकिन सरकार ने खुद भी अपनी विफलता को स्वीकारा है। अगर ना स्वीकारते तो पूरा का पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय हमारी आंखों के सामने चेंज ना होता, उनकी विफलता थी। लेकिन मोदी जी की एक और भी खूबी है कि विफलता खुद की होती है, ठीकरा दूसरे के सिर पर फोड़ते हैं। जो स्वास्थ्य मंत्री चेंज किए गए, जो जूनियर मंत्री चेंज किए गए, जो विभाग में चेंजेस हुए, वो विफलता की स्वीकारोक्ति है। पर आज 50,000 रुपए देकर सरकार क्या साबित करना चाहती है? और आज मुझे लगता है एक ठीक दिन है कि हम पूछें कि पीएम केयर्स फंड का क्या हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक जो हम आपके माध्यम से पढ़ते हैं, क्योंकि कभी बताया नहीं गया है, 40 से 50 हजार करोड़ रुपए उस फंड में आए थे। आप कहते हैं आपने वेंटिलेटर मंगाए, आपने कहा हमने ये किया, ये पैसा प्रधानमंत्री पद की सील पर कलेक्ट किया गया है, सरकारी संगठन, सरकारी नुमाइंदों के द्वारा कलेक्ट किया गया है, इसमें जनता ने अपना पैसा डाला है। इस पर इतनी ओपेसिटी, इतना बड़ा ये गुप्त गोपनीय सीक्रेट क्यों है? क्यों आप देश के लोगों को नहीं बताते? क्यों वहां से आप पैसा और ट्रांसफर नहीं करते हैं कि पैसा ट्रांसफर हो? हमारी 3 मांगे हैं और मैं उस 3 मांगों को जरूर दोहराऊंगी। हम फिर से कहते हैं कि हर मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, मौत के आंकड़ों को छुपाने का जो भद्दा प्रयास किया जा रहा है वो तुरंत बंद किया जाए, हर राज्य में पुनः कोरोना काल से होने वाली मौतों का सर्वे हो, और मुआवजे का जो दावा होता है, जो क्लेम होता है, उसको फिर से एक्सेप्ट किया जाए। आई विल वेरी वेरी ब्रीफली रिपीट सम पार्ट्स इन इंग्लिश। द डबल स्पीक एंड हिपोक्रेसी ऑफ द मोदी गवर्नमेंट इज आउट फॉर एवरीबडी टू सी। Yesterday in the Supreme Court, the government said that compensation on account of corona death is going to be only and only 50,000 rupees. How are they calculating that? On what basis it is 50,000 rupees is beyond our mortal imagination. We do not comprehend that. But the reality is that this government has been dragging its feet on compensation from day one. And before I move any further, I want to assert the demand of the Congress party. The Congress president, our leader Rahul Gandhi ji, have consistently said there needs to be proper, adequate compensation for corona deaths. Today, from this platform, we demand a compensation of 5 lakh
for every life lost during corona, because corona in India was a man-made crisis. Instead of providing for oxygen and cylinders and beds and vaccines and medicines, this government was too busy electioneering. But what did this government tell the Supreme Court? First of all, this government went and told the court that under the National Disaster Management Rules 2005, corona is not a disaster. The Supreme Court told them off, and in fact, in its order of 30th June 2021, completely negated what this government had said. The government kept taking adjournments, kept dragging its feet. Eventually, on the 22nd of September 2021, which is yesterday, the government has said that through the SDRF, a compensation of 50,000 will be released to every family, every life that has been lost due to corona. But one wants to understand, what is the written law? The written law on the 8th of April 2015, during the tenure of Mr. Modi, very clearly states that every life lost during a disastrous event, during a disaster, will be compensated for by 4 lakh rupees. Why is the government going back on the written law, on the written word? It is absolutely true that at a time when the government should have prioritized corona management, it failed to do so. It was too busy electioneering, and which is why we saw the worst impact of corona. Just to place some things here, the main wage earners have died in families, children have been orphaned, people have lost their jobs, their wages have been down, they have been forced to withdraw almost 60,000 crore rupees from the EPF. And today it's a good day to ask, if you give only 5.5% from the excise duty that you have collected on fuel in the last 1 year, which is nearly 4 lakh crore rupees, you will be able to give 5 lakh for every life lost. But why is this government not looking to do that? Fails my mortal comprehension. It's also a good day to ask, where is the PM CARES fund? What is happening with that? What is that money being put to use? Why is there such a shroud of secrecy around there? Why is nobody talking about the PM CARES fund in the government? This is not some private fund of the BJP. This is money that people like us have contributed to. This is money that has been collected under the seal of the union government in the Prime Minister's name. Why is this money not being put to use? I would only want to reassert 3 of our big demands. 5 lakh rupee for every life lost during the corona pandemic. The shameful attempts to mask deaths have to be stopped immediately. There should be a fresh survey of deaths in every state. An adequate compensation should be given and fresh claims should be accepted. We'll first take Suomoto questions and then we can talk about the rest. कोरोना पर अगर सवाल हो तो दो There are some states that have announced, but the central government under the Disaster Management Act Rules 2005, which I quoted here, 8th April 2015, sorry, SDRF and NDRF had released a list and new criteria for compensation. It very clearly states 4 lakh. But because the nature of the pandemic was such that young lives were lost, people have lost their wages, people have lost their jobs, we demand a compensation of 5 lakh from the union government. Of course, that will be distributed through the SDRF, that's the norm. But the government of India cannot get away with this cruel joke of 50,000 rupees. 50,000 rupees to hospital ke dakhil hone mein chale jaate hain. 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं उन लोगों के लिए जिनकी मौत हो गई कोरोना काल के दौरान और मौत आपकी विफलताओं के कारण हुई है आप प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड और दवाइयां मुहैया नहीं करा पाए थे क्योंकि आपकी प्राथमिकता ही नहीं थी कोरोना का मैनेजमेंट कोरोना पे पूछिए कोरोना Anybody else on corona? ठीक है हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोरोना की दौरा है एक कोरोना है हाँ कांग्रेस पार्टी उनके इस दौरे को किस रूप में देखती है क्या डिमांड कहाँ पे दौरा है सॉरी प्रधानमंत्री जरूर दौरा करें प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो भाजपा के ही प्रधानमंत्री नहीं है वो देश के प्रधानमंत्री हैं
उनको देश का सर ऊंचा करना चाहिए, उनको भारत के हितों की, हमारे सामरिक हितों की बातें करनी चाहिए। मोदी जी ने लेकिन फॉरेन पॉलिसी को, विदेश नीति को एक कैमरा अपॉर्चुनिटी बनाकर छोड़ दिया है। लेकिन विदेश नीति सिर्फ गले लगना नहीं होता है, कूटनीति या विदेश नीति, भारत के हितों को कैसे सर्वोपरि रखा जाए उसका लब्बो लबाब यही है। लेकिन चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो रशिया हो, चाइना तो सबको पता ही है, चाहे वो अमेरिका हो, हमारे हितों को सर्वोपरि रखकर आज बात नहीं हो रही है। फॉरेन पॉलिसी हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ मेयर फोटो ऑप, एंड विच इज वाई इंडिया विच वॉज एट द डिसाइडिंग टेबल ऑन एवरी मेजर इशू, विश्व में भारत की भागीदारी के बगैर कोई फैसला नहीं होता था, आज भारत को भागीदार नहीं बनाया जा रहा है। तो मोदी जी को हम सफल दौरे की शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन हम साथ ही साथ ये भी पूछेंगे कि आप भारत के सामरिक हितों की बातें कैसे कर रहे हैं। As far as the Supreme Court is concerned, I would want to react to it solely based on what I have read in media reports, watched on television channels, and on the basis of the questions, on the facts that you are stating here. What happened with the Pegasus snooping scandal was the greatest threat to national security. A probe into this will ensure that national security is never compromised. Please understand, who were the people snooped upon? It wasn't just political opponents. There were people in constitutional positions. There were people associated with the Chief Justice of India. There were people associated with the Election Commission in an election year. These are very, very serious allegations. The reality is that snooping was done on people who were in elected positions of power, which also compromises the Official Secrets Act. And there was never a bigger compromise with national security than Pegasus. On Pegasus, we will only say there has to be a full-fledged, absolutely full-fledged probe by the Supreme Court of India under its custody. The entire probe has to be, because anything less than that is not going to be satisfactory as far as national security is concerned. I also want to say here, the issue that you were raising about some committee, I welcome it, but it has to be a part of a larger probe, and I hope it will be. आपने जो सुप्रीम कोर्ट पर मुझसे सवाल पूछा है उस पर मेरा जो रिएक्शन है वो मीडिया की जो रिपोर्टें हैं उसको देखकर टीवी चैनल पर और आपके माध्यम से जो मैं सुन रही हूं उसी पर है। सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने एक कुछ टेक्निकल कमिटी की बात करी है, मैं उस पर बोलने से पहले यह जरूर बोलना चाहती हूं कि पेगासस मामले में जो जासूसी करी गई थी वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ सबसे बड़ा उल्लंघन था। आपने सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की ही नहीं, आपने संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों की जासूसी करी थी। उसमें इलेक्शन कमिश्नर की जासूसी हुई थी तथाकथित तौर पर, उसमें सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड महिला की जासूसी हुई थी, उसमें चुने हुए लोगों की जासूसी हुई थी जो तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का उल्लंघन है, और ये सारा डेटा एक विदेशी जगह, विदेशी कंपनी, विदेशी गवर्नमेंट के हाथ में था। तो इससे बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ दूसरा कोई नहीं है, महिला अस्मिता के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ कोई नहीं है, क्योंकि पेगासस एक मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर है। जब आपके वो फोन में आ जाता है तो वो आपके फोटो, आपकी पूरी डिजिटल फुटप्रिंट पर कब्जा कर लेता है। तो मेरा अपना मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के तत्वावधान में पूरी तरह से इस पर एक जबरदस्त तरीके से जांच होनी चाहिए, और ये टेक्निकल कमिटी उसका एक हिस्सा जरूर हो सकता है, ये अच्छी बात है, लेकिन एक विस्तृत जानकारी, एक विस्तृत जांच होकर देश के सामने सच और तथ्य आने चाहिए। ऐसा है कि वो शायद मेरे पिताजी की उम्र के होंगे,
मैं बता रही हूं आपको, मैं जवाब दे रही हूं। बुजुर्गों को गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और वो कई बार गुस्से और क्रोध में बहुत सारी बातें कह देते हैं। मुझे लगता है कि उनके गुस्से का, उनके उम्र का, उनके तजुर्बे का हम सम्मान करते हैं और वो जरूर इस पर पुनर्विचार करेंगे, लेकिन राजनीति में गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी और उनसे बदला लेने की भावना की कोई जगह नहीं है। हम आशा करते हैं कि वो अपनी कही हुई बातों पर अपनी ही समझदारी दिखाते हुए जरूर पुनर्विचार करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत योद्धा रहे। उनको कांग्रेस पार्टी ने 9 साल 9 महीने मुख्यमंत्री बनाया है। आपको याद होगा उनको राजेंद्र भट्टल जी के की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर टिप्पणी बहुत ज्यादा ना करके मैं ये सोचती हूं कि उनका अनुभव, पब्लिक लाइफ में उनका जीवन इस तरह की बातों को, उनके स्टैचर को सूट नहीं करता है और वो इस पर पुनर्विचार करेंगे। हम उनसे छोटे होने के नाते इसको उनका क्षणिक गुस्सा मानकर जरूर भूलने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस तरह की शब्दावली की, द्वेष की, ईर्ष्या की और गुस्से की और बदले की भावना की मुझे नहीं लगता राजनीति में अपने के लिए भी या प्रतिद्वंदी के लिए भी ऐसी कोई जगह है। एनीथिंग? या श्योर। क्या तरीका है? ऐसा है, राजनीति में लोग फैसले लेते हैं, कुछ अपने हितों में लेते हैं, कुछ अपनी कंस्टिट्यूएंसी के हितों में लेते हैं। ये इंडिविजुअल फैसला होता है छोड़ने या ज्वाइन करने का। इस मंच से मैं इस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहती हूं क्योंकि ये फैसला अंततोगत्वा हर व्यक्ति खुद लेता है। हम एक विचारधारा के साथ खड़े हैं, एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं। जो इस लड़ाई में, इस संग्राम में हमारे साथ खड़ा है, हम भी उसके साथ खड़े रहेंगे। जो अगर छोड़ के जाना चाहता है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने ये सवाल पूछा। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और ये विषय मुझे बहुत व्यथित करता है। हम लगातार उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, उनके श्रद्धालुओं के मन में बहुत व्यथा है, वो परेशान है कि ऐसा क्यों हुआ। दिक्कत तलब बात ये है कि उत्तर प्रदेश में ना महिलाएं सुरक्षित है, ना संत समाज सुरक्षित है, और जिस तरह से छूटते ही ये साबित करने की कोशिश करी जाने लगी कि यह आत्महत्या है, वो अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर देती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस वही पुलिस है जो लगातार हाथरस में ये बार बार कहती थी कि रेप हुआ ही नहीं है। वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, आज भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बने हुए हैं जिन्होंने कहा था रेप हुआ नहीं है, और सीबीआई की चार्जशीट में है कि रेप हुआ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जिस तरह से यह साबित करने की कोशिश शुरू से की जाने लगी कि यह आत्महत्या है, वो अपने आप में एक सवाल खड़ा करती है। मुझे लगता है कि इसकी मांग पहले भी हुई है, हमने लखनऊ में भी करी है, इस मंच से भी करेंगे कि एक हाईकोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब इस पे होनी चाहिए सिटिंग जज की तत्वावधान में। यह बहुत बड़ा मामला है, यह मामला सिर्फ एक संत का नहीं है, यह पूरे संत समाज की सुरक्षा का मामला है। आखिर कौन लोग ऐसे थे जिनके हाथों ये हुआ या नहीं हुआ, ये मामला पुलिस पहले से साबित करने पे क्यों तुली हुई है? आप तो पंखे की बात कर रहे हैं, उनके अनुयायियों ने तो ये भी कहा है कि वो लिखते पढ़ते नहीं थे, और 13 पन्ने का सुसाइड नोट लिखना बड़ा विचित्र बात है, और वो भी ऐसा नोट जिसमें तारीखें बार बार बदली गई, कभी 13 सितंबर से 20 सितंबर हुआ, बार बार चेंज हुआ। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी गुत्थी है, लेकिन इसको सुलझाने के बजाय जो प्रशासन की ओर से इसको आत्महत्या का रंग देने की कोशिश पहले दिन से और पहले क्षण से की जाने लगी, वो अपने आप में सवाल खड़े करता है। व्हाट हैज बीन ऑर्डर्ड? सॉरी, आई एम ग्लैड अ सीबीआई प्रोब हैज बीन ऑर्डर्ड, बट द सीबीआई हैज रिड्यूस्ड इटसेल्फ टू अ मियर फ्रंटल ऑफ द बीजेपी। इट गोज टू इलेक्शन गोइंग स्टेट्स, इट लैंड्स एट द डोर स्टेप ऑफ अपोनेंट्स, इट लैंड्स एट द डोर स्टेप ऑफ गवर्नमेंट्स व्हिच द बीजेपी वॉन्ट्स टू मैनिपुलेट।
and compromise. So the problem with the CBI is it has lost all its credibility. The problem in UP is that the UP police has no idea about what the rules are, and Hathras has proven that, and which is why we believe there should be a judicial probe into this. Thank you. Dhanyabad. Ye corona ki baat bahut zaruri hai. Please isko aap log zarur uthaiye.